सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और मैं हूँ योगिता सिन्हा। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और LIC एडवाइजर हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, चाइल्ड प्लानिंग एक्सपर्ट वगैरह 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 वगैरह, वो सब आप समझ सकते हैं। मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी प्लानिंग करनी होती है वो सारी चीज़ें मैं करके देती हूँ आपका, ओवरऑल पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, लोग मतलब काफ़ी आजकल चर्चा में चल रहा है 2000 का नोट, तो मेरे जेब में भी है आज 2000 का नोट एक निकला है। तो अपन सोचे चलो 2000 से क्या प्लानिंग कर सकते हैं वो करते हैं। तो 2000 रुपये पर डे के हिसाब से मैं प्लानिंग करके बता रही हूँ, आप चाहें तो पर मंथ के हिसाब से भी 2000 की प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए अलग प्लानिंग होगी। 2000 रुपये पर डे की प्लानिंग उन लोगों के लिए जिनको अपने बच्चों को थोड़ी हायर एजुकेशन में अच्छी एजुकेशन, जैसे डॉक्टर बनाना हो तो उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी इंजीनियर्स के लिए, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्लान रहेगा आप लोगों के लिए। तो आइए अपन देखते हैं इसको। तो 2000 के नोट से आज प्लानिंग करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा जो इलस्ट्रेशन मैंने निकाल के रखा है। तो मिस्टर इंद्रजीत सिंह है जिनकी एज है 27 साल। अभी रिसेंटली उन्होंने मतलब कुछ साल पहले ही काम शुरू किया है, 1-8 साल पहले, और वो एक बिजनेसमैन है। तो वो डेली चाहते हैं कि जो भी पैसा आता है उसमें से 2000 रुपये वो एक दिन का निकाल सकते हैं। तो वो ऐसा प्लान करके चलते हैं जिसमें उनको जो समिश्योर मिल रहा है वो इसमें मिल रहा है 1,60,00,000 का, यानी कि उनको टर्म प्लान जो आप अलग से लेते हैं ना उसका बेनिफिट भी इस प्लान में उनको मिल रहा है, ठीक है। और वो बचाते हैं पर डे के हिसाब से 1,999 रुपये, यानी कि 2000 ही मान के चलिए, तो पर मंथ वो 60,000-62,000 के आसपास सेव करते हैं। और इस तरीके से कुल मिलाकर वो 16 साल में जो सेव करेंगे वो करेंगे 1,16,90,568 रुपये। लेकिन उनको जो रिटर्न आएगा वो 9 साल का गैप रहेगा, 9 साल का प्रीमियम हॉलीडे रहेगा जिसमें LIC उनके प्रीमियम को बढ़ाने का काम करेगी। और उसके बाद 25वें साल में जो उनको रिटर्न आना है वो उनको इस प्रकार से आएगा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो बोनस है, फाइनल एडिशन बोनस है, वो सारे कुछ ऐड होके उनको जो 1,60,00,000 रुपए है वो सम इंश्योर्ड है वो उनका बन जाएगा 4,21,57,500 रुपए। ये अभी के डिक्लेयर बोनस के आधार पे है। उस टाइम पे LIC का जो भी बोनस डिक्लेयर होगा, जो कि उसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है, LIC ग्रोथ पे, और LIC तो दिन ब दिन ग्रोथ कर ही रही है, तो बोनस रेट हो सकता है इससे ज़्यादा हो उस टाइम पे। ये अभी के बोनस के हिसाब से इलस्ट्रेशन निकला हुआ है, उस टाइम पे बोनस और ज़्यादा भी हो सकता है। फिर भी उनको समझ मान के चलिए कि उनका जो वो 1 करोड़ जो जमा कर रहे हैं, 1,16,00,000, वो 4 गुना तो हो ही रहा है, 4 गुना से ऊपर ही हो ही रहा है। तो ये उन लोगों के लिए कि जो अपने अपने लिए कुछ बड़ा प्लान करना चाहते हैं थोड़े दिनों बाद, जैसे हम लोग आखिर इतनी प्रॉपर्टी कुछ लेते हैं 1-2 करोड़ की, तो उसको चुकाने में हम लोग को 20-30 साल का लोन चला जाता है, तो उससे अच्छा अपन क्यों ना 16 साल सेव करके अपन 25वें साल में वो प्रॉपर्टी खरीद ले, ऐसा अपन प्लान कर सकते हैं। या बच्चों को हायर एजुकेशन में बहुत अच्छी शिक्षा देनी हो तो उसके लिए प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हैं 2000 रुपये में। तो उन सब चीज़ों के लिए आप अपने LIC एडवाइज़र से कांटेक्ट कीजिए, और अगर आपके पास कोई LIC एडवाइज़र नहीं है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना नाम, अपने शहर का नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख कर मैसेज कर सकते हैं, और आपको इसमें हमारी टीम जो है वो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेगी और आपकी क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जो आपको इस लगता है कि इतनी सेविंग, इतना सपना देखते हैं अपने बच्चों के लिए या अपने लिए कुछ बड़ा प्लान करने का, तो उन सभी के साथ आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपको बचत, निवेश, सुरक्षा से संबंधित बहुत सारी और जानकारियाँ मिल सकें।